हेलो दोस्तों, श्री श्याम नमस्तुभ्यम। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, शिव की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि के दिन कौन सा उपाय करने से मनोकामना पूर्ति, शनि दोष, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे, शिवरात्रि में शाम के समय हम कहाँ दीप प्रज्वलित करें। एक दीप आपको प्रज्वलित करना है शमी पेड़ के नीचे, एक देसी घी का दीपक, एक लवंग और एक काली मिर्च डाल के आपको शमी पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करना है। पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है देसी घी का दीपक, काली मिर्च, लवंग डाल के। इसके करने से रोग मुक्ति का है ये उपाय। दूसरा, धन प्राप्ति के लिए आपको आंवला के वृक्ष के नीचे या बेलपत्री वृक्ष के नीचे आपको एक लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है। अगर दस कमा रहे हो, सो खर्चा हो रहा है, लक्ष्मी आ ही नहीं रही है, तो आपको ये उपाय आंवला वृक्ष के नीचे या बेलपत्री वृक्ष के नीचे आपको जरूर करना है। शिवरात्रि के शाम के समय आपको ये उपाय करना है। ये विशेष उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, आपको ये उपाय जरूर करना है। के लिए आपको दस हमारे सौ खर्चा हो रहा है, लक्ष्मी आई नहीं रही, तो आंवला के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के शाम को एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, देसी घी का, गाय का हो तो ज़्यादा बेटर है। शिवरात्रि के तीसरे दिन का तीसरा उपाय है, तो उसके सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, आपको शिवरात्रि के दिन शाम के समय एक देसी घी का दीपक आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, विशेष कामना के लिए आपको एक देसी घी का दीपक शिव मंदिर की चौखट पर या शिव मंदिर में जरूर समर्पित करना है, जलाना है। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। शाम के समय भोले बाबा भ्रमण करने के लिए प्रदोष काल में निकलते हैं, तब ये विशेष मनोकामना के लिए है। ये उपाय करने से भोले बाबा जरूर सुनते हैं, आपको शिव मंदिर में ये उपाय करना है। आप शिवरात्रि के दिन शाम के समय ये उपाय जरूर करें, कैसी भी मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन विशेषकर भोले बाबा थोड़ा भरोसा रखना, भोले बाबा कम से कम इसको 5 शिवरात्रि करके देखना कि किसका परिणाम क्या होता है। आप लोग जरूर कमेंट में बताना, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो।